हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो सुबह के बज रहे हैं 3:40, चाहे आप रात के मान लो चाहे सुबह के मान लो, वो आपको मर्जी है। एंड हमने 4 बजे जाना है मुक्तेश्वर धाम, जो कि पठानकोट से सिर्फ 22 किलोमीटर आ गया। एंड मेरे घर वाले मुझे उठाकर खुद अभी तक सो रहे हैं, पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार होके खड़ी हूँ, थोड़ा सा मेकओवर करना है, वो करेंगे अभी, बट मैं ऐसी वेली पड़ी हूँ। नेवर माइंड। सो आपको हम लेके जाएंगे आज एक स्पिरिचुअल राइड पे, जो कि आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी और मेरे लिए भी, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं और वो बिल्कुल रावी नदी पर सिचुएटेड है एंड उसका व्यू बहुत ही प्यारा है। सो आपको मिलते हैं तैयार हो। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ अपना हीरो होंडा वाला चश्मा पहन के। यो यो हन सिंह। गाइस, सो यस, बाकी मेरा पता नहीं, मैं चश्मा बदल भी सकती हूँ, बस वैरायटी के चश्मे गाइस, बहुत अमीर हूँ। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ एंड अब हम वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे जिनके साथ हमने जाना है, तो वो आएंगे, फिर हम सामान उतारेंगे, फिर हम चलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लव यू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Guys, हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी के लिए। सो यार ये कैसे लोग बोल लो, वो बोलेगी तो ये बोलेगी, वाह। तो भाई तू कह रही है ऐसे, ये लोग मेरा ब्लॉग सिर्फ बेकार करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरे। बोले बाबा की जय, लाइक करें ऐसे बोल दो, बोले बाबा की जय। चलो फिर से शुरू कर। गाइस हम यहाँ पे रुके हैं, हम यहाँ से जाने वाले हैं, आपको मैं नहर दिखाती हूँ। कहते हैं सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, और हम मंदिर जा रहे हैं लेकिन फिर भी यात्रा की शुरुआत पंजाबी गानों से कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ लो थोड़े मजे पंजाबी गाने के। तो एक घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे हैं जलंधर, जो कि देवी तलाब मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है और कहा जाता है कि मनोकामना यहां पर पूरी होती है। तो गाइस अब हम यहां पर खाने पीने के लिए उतरे हैं कि हम कुछ खा लें, क्योंकि हम सुबह से किसी मेरे फैंस हैं, देखो ये मेरे फैंस हैं, देखो ये मुझे कितना बुला रहे हैं। ओह गॉड, सो अब हम यहाँ पे उतरे हैं कि हम कुछ खा लें, क्योंकि अभी भी हमारा जहाँ पे हमें जाना है उसमें भी 2 घंटे लग जाएंगे जाने में, एंड तब तक हम गाइस इग्नोर दैट। अभी भी हमें जहाँ जाना है हमें उसके लिए 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वो 113 किलोमीटर आ गया, तब तक हमें भूख लग जाएगी, क्योंकि फिर हम अगर हम मंदिर में चले गए तो वहाँ पर हमें टाइम लग जाएगा दर्शन करने में। सो हम खाने के लिए यहाँ पे उतरे हैं, रुकी है ये टोल प्लाजा के पास, जो कि जलंधर पठानकोट हाईवे पे ही है। सो गाइस ये बहुत बदतमीज लोग हैं, ये मुझे ब्लॉग नहीं बना देते बिल्कुल भी, एंड इस जगह बहुत अच्छी है एंड मेरी फोटो भी अच्छी आ रही है। आपको मैं दिखाती हूँ टोल टैक्स, सॉरी टोल प्लाजा भी, यहाँ पे सारे लगे हुए हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, ऑल आर एवरी हंग्री। तो गाइस अब हम जो है जाने लगे हैं वापसी, हमने सब कुछ खा लिया, फ्रेश वगैरह हो गया एंड अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें फिर से 2 घंटे लगने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम फिर से निकल रहे हैं। बाय गाइस। तो हमने यहाँ पेट पूजा कर ली है और हमने जलंधर पठानकोट हाईवे का टोल प्लाजा भी क्रॉस कर दिया है, और अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे जो है पठानकोट के रास्ते पर दौड़ रही है, और जैसे जैसे गाड़ी दौड़ रही है
हमारी एक्साइटमेंट उतनी ही तेज बढ़ती जा रही है। इधर हमने पठानकोट को भी क्रॉस कर दिया है, लेकिन हम कहीं रुके नहीं क्योंकि हमारा मंदिर बहुत ही नजदीक है और अब हम सिर्फ वहीं जाके अपनी गाड़ी को रोकेंगे। हम पठानकोट से आगे पहुंच गए हैं, बस 400 मीटर दूर है मंदिर एंड फिर हम पहुंच जाएंगे मंदिर, फिर हमको वहां की जगह दिखाई चाहिए। आप थोड़ा सा रास्ता भी देख सकते हैं। मन करता है कि हसीन वादियों में बस जाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं यहां पर पठानकोट के मुक्तेश्वर धाम में एंड अब हम जा रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमें बस जो जो डायरेक्शन मिल गई हम चलते जाएंगे। कई ज़्यादा ना हंसे आप तो आपको लेके चलते हैं। चलो फाइनली हम मुक्तेश्वर धाम पहुँच गए और जो मुक्तेश्वर धाम पहुँचने के लिए हमें 300 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। अगर तो आप नहीं उतर पा रहे तो यहाँ पर कच्चा रास्ता भी है बट वो बहुत डेंजरस है, तो आप कोशिश करो कि दूसरा ही जो स्टेयर्स वाला रास्ता वो यूज़ करो। सो मैं आपको दिखा दूँगी। हम पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर धाम जो कि पठानकोट से 20 किलोमीटर आगे पठानकोट के डिस्ट्रिक्ट शाहपुर कंडी में पड़ता है। मुक्तेश्वर धाम को मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग पिंडन हरिद्वार जाकर नहीं कर पाते वो यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत के टाइम का है जब अज्ञातवास के लिए पांडव 6 महीने के लिए यहाँ इस गुफा में रहने आए थे, तो इसी के ऊपर यह मंदिर बनाया गया था और इसी की वजह से इसकी मान्यता और बढ़ गई थी। लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं और दर्शन करने भी आते हैं। श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि यह मंदिर 24 घंटे खुला है और यहाँ पर लंगर का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक चलता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ आपको शिवरात्रि, चैत्र नवरात्र और अमावस्या के दिन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा मेला लगा जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन और मेले को इंजॉय करते हैं। जब हमने मत्था टेक लिया यहाँ पर एंड यहाँ पे एक और गुफा थी जहाँ पर पांडव जो थे उस गुफा में रहे थे, उन्होंने ध्यान लगाया था, बट हम वहाँ पर नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर जाना बहुत रिस्क वाला काम है क्योंकि उस चीज़ के लिए कोई सेफ्टी नहीं है एंड वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इग्नोर हर। सो अब हम जा रहे हैं रावी नदी के पास थोड़ा बहुत इन्जॉय करने एंड जिनको नहाना का वो नहा सकते स्पेशली ये इंसान। सो आपको गाइस यहाँ जाना बहुत मुश्किल वाला काम है, ये देखो हल्का सा पैर स्लिप हुआ और आप यहाँ गिरोगे फिर आपका सिर विर जो फटेगा वो अलग। सो प्लीज़ यहाँ पर बहुत सेफ्टी से चलो लाइक दिस, ऐसे हाथ पकड़ के बड़ों का धीरे धीरे। बहुत इन्जॉय कर लिया, अब हम वापस जा रहे हैं, देखते हैं अब वहाँ से हम किधर को जाएंगे घूमने क्योंकि अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं और हम घर तो नहीं वापस जा सकते इतनी जल्दी, तो देखते हैं अब हम कहाँ जाएंगे। ओके अभी हमने 300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है गाइस, उतर तो गए हम जैसे तैसे खुशी खुशी, बहुत खुशी खुशी कि हम पहली बार आए हैं इतने एक्साइट होके, बट अब हमें नहीं पता कि हम ऊपर से चढ़ेंगे क्योंकि हमारी अभी जान निकल गई है। वी हैव वेरी एनर्जी, आवर स्टेमिना इज वेरी हाई। यस ब्रो हाउ द जोश, हाय सर, मेरी बेइज्जती कर दी उन्होंने। हम वापस जा रहे हैं एंड 300 सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है, यहाँ पापा की हालत देखो पापा। सो चलो चले, अब हम उतरे हैं गाड़ी से और आपको रणजीत सागर डैम जो कि पठानकोट में बहुत फेमस है उसका व्यू दिखाते हैं। सो गाइस ये है रणजीत सागर डैम जो कि पठानकोट का बहुत ही ज़्यादा फेमस डैम है एंड इसका व्यू बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। गाइस अब हम चले हैं यहाँ से कुर्थू बीच जिसे पठानकोट का मिनी गोवा कहते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे मिनी गोवा वाला सीन क्या है कि नहीं, कि खाली नाम का ही गोवा है वो गोया। सो लेट्स गो मिनी गोवा।
फाइनली हम आ गए हैं पंजाब के मिनी गोवा में, जिसे देखकर मुझे गोवा वाली बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही। बहुत ही वाहियात जगह है गाइस, आप प्लीज़ मत आएँ, यहाँ पर कुछ है नहीं। और अगर आना है तो इवनिंग टाइम में आए, प्लीज़ नून टाइम में तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि आप धूप में मर जाओगे, है ना। देखा बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं पानी कैसा होगा यहाँ। यहाँ पे बेसिकली बोटिंग है, जिप लाइन है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिजॉर्ट है बिल्कुल साथ में, तो आप वो सब एडवेंचर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बंजी जंपिंग है, पैराग्लाइडिंग है, एंड रेसिंग भी है, जीप रेसिंग यू कैन ट्राई अगर आप इधर आते हो। बाकी आपको लेके जाएंगे।